कुरान पाक रब ताला ने नाजल फरमाया था, इसलिए कि हमें वो सीधा रास्ता दिखा दे, और जब हम सीधा रास्ता देख लेंगे तो हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी। मैं दुनिया से मोहब्बत निकल जाने की बात कर रहा हूं। लेकिन अजीबोगरीब बात है कि हमने दुनिया कमाने का जरिया ही उस कुरान को बना लिया। जितने हमारे दुनियावी काम हैं हम उनके हल हो जाने के लिए, उनके हसूल के लिए कुरान को वजीफे के तौर पे यूज कर रहे हैं। ये बदनसीबी है कि जिस चीज ने हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालनी थी उसी को हमने दुनिया कमाने का जरिया बना लिया है। मेरे नजदीक गैर मुनासिब बात है। ये दिल में दुनिया की मोहब्बत का भी अजीब मामला है। एक साहब गुजरे हैं जो अपने वक्त के कौस थे, हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का मजार मुल्तान में है। ये वलीअल्लाह भी थे और अपने वक्त के इंतहाई अमीर इंसान भी, तजारत इनका पेशा था, कुछ लंबी चौड़ी जायदाद और ऐसे मामलात बहुत थे, तो गौस के मकाम पर थे। तो अक्सर बेशतर इनके जो हम असर औलिया कराम थे, फकीर थे, जो यकीनी बात है कि गौस के मकाम पर नहीं फाइज थे, क्योंकि गौस एक वक्त में एक ही होता है, वो इन्हें आमतौर पर चिट्ठियां लिखते थे कि तुम कैसे वली अल्लाह हो कि जिसके पास इतनी दौलत है, जो इतना अमीर है। तो हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने कभी किसी खत का जवाब नहीं दिया, खामोश रहते थे। लेकिन फिर वो बहुत सख्त खत आने लगे तो बिलाआखिर एक खत का जवाब उन्होंने सिर्फ दो सतर में दिया कि मेरे पास दुनिया की दौलत है जरूर, लेकिन उसे मैंने दिल में जगह नहीं दी। वो खत का जवाब चला गया, क्योंकि मुल्तान में रिहाइश थी हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की, और मुल्तान उस वक्त रियासत का हिस्सा हुआ करता था। तो कुछ ही अरसे के बाद रियासत में कहत पड़ गया और लोग भूखो मरने लगे। जो रियासत की हुकूमत थी उसका गोडाउन खाली हो गए, लोगों को गल्ला देते देते। तो जब गवर्नमेंट के गोदाम खाली हुए तो हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गोदामों के मुंह खोल दिए और उस इलाके के तमाम लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक मुफ्त अनाज मिलने लगा, हत्ता कि वो कहत का वक्त गुजर गया और दोबारा से बारिशें हुई और फसलें आ गईं। तो जब ये सब वाकया हुआ तो फिर औलिया इकराम की समझ में आया कि इनके उस खत का मतलब क्या था कि मेरे पास दुनिया की दौलत है जरूर, लेकिन उसे मैंने दिल में जगह नहीं दी है। दुनिया की दौलत का कमाना बुरी बात नहीं है, जरूर कमाइए, जितनी अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत और सकत दी है हमें चाहिए कि भरपूर तरीके पर